14वें विधानसभा चुनाव में हरियाणा की सबसे हॉट सीट करनाल में न केवल मुख्यमंत्री नायब सैनी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भी परीक्षा है। 1966 में हरियाणा के गठन से लेकर अब तक करनाल भले ही राजनीतिक फलक पर हमेशा ऊपर रहा हो लेकिन औद्योगिक दृष्टि से उतना निखर नहीं पाया। जितनी उम्मीद थी शशिपाल मेहता के रूप में उद्योग मंत्री से लेकर दो दो मुख्यमंत्री देने वाले इस शहर में 10 साल बाद भी वही मुद्दे व मांगे बरकरार हैं। इन चुनावों में भी एक बार इनकी गूंज सुनाई पड़ रही है। करनाल के शिक्षाविद डॉक्टर रामजीलाल, डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज व कीर्ति गुप्ता का कहना है कि उद्योग, रोजगार और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस चुनाव में बड़ा मुद्दा हो सकते हैं क्योंकि करनाल के स्थानीय निवासी को बहुत कम विधायक बनने का मौका मिला है। सांसद तो हमेशा बाहरी प्रत्याशी ही बने। पिछले 10 साल में मनोहर लाल और अब सीएम नायब सैनी यहां से विधायक हैं। इन दोनों के कार्यकाल में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। शहर को दूसरे जिलों से जोड़ने वाले राजमार्ग चौड़े हुए हैं। बागवानी व मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय मिला। डिग्री कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई। राष्ट्रीय स्तर के खेल स्टेडियम मिले पर 2000 के चुनाव से पहले की नेवल हवाई पट्टी का विस्तार आज भी अटका है। इसके अलावा 15 साल से करनाल यमुनानगर रेल लाइन और अब 5 साल से रैपिड रेल करनाल तक आने की उम्मीद कागजों से बाहर नहीं आई। उपचुनाव सहित 3 बार जीत की हैट्रिक लगा चुकी भाजपा को अपना मजबूत किला बचाए रखना व कांग्रेस के लिए वापसी करना बड़ी चुनौती है। अचानक हुए चुनाव के आघात से सीएम सिटी में सियासी हलचल तेज है। टिकट के दावेदारों में लॉबिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने आकाओं को मनाना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा में सीएम नायब सैनी के नाम पर संशय और चर्चाएं हैं। दोनों दलों के नेताओं की दिल्ली की दौड़ जारी है। इसके अलावा तैयारियों में जुटी आप, इनेलो और जजपा की निगाहें भाजपा की सूची पर है। कांग्रेस में इस बार सुमिता सिंह, तरलोचन के अलावा भाजपा से आए मनोज वधवा सहित 23 नेता टिकट की मांग कर रहे हैं। भाजपा में सर्वे जारी है। नेवल हवाई पट्टी का विस्तार करके हवाई अड्डा बनाने का मुद्दा पिछले 5 चुनावों से अटका है। शहर को जाम मुक्त करने के लिए न फ्लाईओवर बना और न ही कोई अन्य व्यवस्था हो पाई। शहर में करीब 10 बड़े अनुसंधान संस्थान हैं। इनमें स्थानीय लोगों को नौकरी व पढ़ाई के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं है। हर बार इसकी मांग उठती है, करनाल से यमुनानगर रेल लाइन बिछाने, रैपिड रेल करनाल तक लाने व कृषि यंत्रों से अलग बड़ा उद्योग स्थापित करना आज भी क्षेत्र की बड़ी मांग है। इस विधानसभा सीट पर आधी आबादी सामान्य वर्ग की है। इनमें सबसे अधिक 21% पंजाबी समाज है। 5 बार इसी समाज का ही विधायक बना है। महज 3% आबादी वाले सैनी समाज से पहली बार नायब सैनी उपचुनाव जीते। 1967 से लेकर अब तक भाजपा यहां 5 बार कमल खिला चुकी है जबकि कांग्रेस को 4 बार, आजाद को 2 बार, जनसंघ 2 और जनता पार्टी 1 बार जीत मिली है। अब चुनाव और विधायक पार्टी की बात की जाए कि कौन विधायक किस पार्टी से यहां जीते हैं तो वो अब हम आपको बता देते हैं। 1967 में रामलाल जनसंघ पार्टी से जीते। 68 में शांति प्रसाद आजाद उम्मीदवार थे जो जीते। 1972 में रामलाल फिर जनसंघ से जीते। 1977 में रामलाल जनता पार्टी से जीते। 1982 शांति देवी कांग्रेस पार्टी से जीती। 1987 लक्ष्मण दास जो भाजपा के थे वो जीते। 1991 जयप्रकाश कांग्रेस से थे वो जीते। 1996 शशिपाल मेहता भाजपा के थे वो जीते। 2000 में जयप्रकाश आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते। 2005 में सुमिता सिंह कांग्रेस से जीती। 2009 सुमिता सिंह फिर जो थी वो कांग्रेस पार्टी से वो जीती। 2014 में मनोहर लाल जीते जो भाजपा से थे। 2019 में मनोहर लाल फिर भाजपा के जीते। 2024 उपचुनाव में नायब सैनी भाजपा से थे वो जीते। अब श्रेणी और प्रतिशत जान लेते कि करनाल में किसकी कितने प्रतिशत आबादी है। जनरल 50% है, SC 24% है, BCA 22%, BCB
5% कुल मिलाकर के 100% का जो हमने आपको डेटा है कि कौन से वर्ग के कितने प्रतिशत करनाल में रहते हैं वो हमने आपको दिया। अब करनाल सीट बहुत ही अहम सीट है। अब इस बार देखना होगा कि इस सीट पर क्या फिर से नायब सैनी को की उम्मीदवारी होती है या कोई नया चेहरा हमें देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।